नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वाईफाई एजुकेशन। तो दोस्तों, आपकी जो एसआई की आरपीएफ की एसआई की आंसर की जारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं मेन वेबसाइट, अपने मोबाइल में भी आप देख सकते हैं एसआई की ऊपर सबसे ऊपर, सबसे इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, मेन वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। और यहाँ आपकी देखिए रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, एसआई स्पेशल फोर्स के लिए, यहाँ आप देखिए एसआई। और यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चार डिजिट देखेंगे, इसमें आप यूज पर जाइए और आंसर की आपकी क्लिक हो जाए। जैसे ही हम आंसर की के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सीधा ऑप्शन आ जाएगा कि आंसर की ई और एफ की कैंडिडेट की आंसर की आ चुकी है। दोस्तों, अगर आप यहाँ से क्लिक करना चाहते हैं कहीं भी अगर आपका है, तो आप जैसे ई के अंदर क्लिक है, तो आई के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले ये चीज मांगेगी कि रोल नंबर है और आपके अपने तारीख कौन सी है और परीक्षा की तिथि कौन सी है और बैच कौन सी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपको बैच देना है। अब बैच में पारी मतलब सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा इनमें, और उसके बाद में आप सबमिट करेंगे तो आपको आंसर की जारी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर आपको नीचे मिलेगा, आप पूरी बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर हमारे टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं, तो आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। कट ऑफ क्या रहेगी उनके बारे में हम जल्दी से वीडियो अपडेट करेंगे, तो वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ ई और एफ की जो है वो भी हो चुकी है। उसके बाद में हम साथ में हम देख लेते हैं कॉन्स्टेबल की क्या प्रक्रिया। तो मैं सबसे पहले यहाँ आरपीएफ है यही वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूंगा और आरपीएफ लगाकर मैं सर्च कर लूंगा। अब दोस्तों, सर्च करने के बाद में ये लिखा हुआ है कि आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2018 के बारे में, तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं आंसर शीट अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ई ग्रुप की आंसर की जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर ई ग्रुप की भी आंसर की जारी हो चुकी है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो वही आपको मांगेगी जो आरपीएफ एसआई के अंदर मांगा जा रहा है, वही सेम कैंडिडेट मांगेगी, कैप्चरा रोल नंबर वगैरह तिथि वगैरह यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ से आपसे वीडियो हो जाएगा। तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर। थैंक यू सो मच, नए वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।